था, इतना बेहतरीन डायलॉग उसने कैसे याद किया होगा ये डायलॉग, आपको हैरानी होगी जानकर। पूरी मूवी में उसका दो ही डायलॉग है, उसके सिर्फ दो ही डायलॉग है, नहीं एक ही है, उसको दो बार बोलती है। नहीं, दो अलग अलग है। देखिए सुनिए। हमारे बाबूजी कहते थे सेवा करोगे मेवा मिलेगा। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम ब्लॉग शूट करने वाले हैं, हम मूवी देखने जा रहे हैं हाउसफुल फोर मूवी देखने जा रहे हैं और हम मिलते हैं। कैब खड़ी नहीं, मेरा सर कट रहा है यार। ओह नो, थोड़ा ऊपर कर इसको, ऊपर कर इसको, ऐसे बहुत रुक जा। तो हम कैब खड़ी है नीचे पे। ओ ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफाइंग है, मैं ज्यादा लिपस्टिक ले जा। कैमरा कैब खड़ी है, 15 मिनट से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हमारी कैब आ गई है, हम लोग बैठने जा रहे हैं। कमेंट करके बताओ मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं। झुमके पे थोड़ा ध्यान चाहेंगे। तवज्जो चाहेंगे, तवज्जो झुमके पर थोड़ा सा तवज्जो चाहेंगे। और हम जा रहे हैं कहाँ पे मूवी देखने? इसको रखना, इसको रखना। हम जा रहे हैं रोहिणी M2 के, आ जाओ गाइस मूवी देखने का। और जब तक आप आओगे तब तक हम देख चुके और हम मूवी देखने जा रहे हैं हाउसफुल 4। और ये डिमांड थी हमारे अक्षय कुमार की, ये कि अक्षय कुमार की मूवी देखनी है। पिछली बार हम टाइगर श्रॉफ की मूवी देखकर आए थे जो कि मेरा फेवरेट था, बट मूवी हमको इतनी पसंद आई नहीं। देखते हैं अब अक्षय कुमार की मूवी पर, हमें पूरा भरोसा है कि अच्छी ही होगी। और मैंने जैसा कि कहा, कमेंट करके बताइए कि मेरा झुमका कैसा लग रहा है। तो अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। तो यार कमेंट करो, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। और मैं जा रहा हूँ अक्षय कुमार को देखने, ये जा रही है रितेश देशमुख को देखने, और वो अपना दोस्त जा रहा है बॉबी भाई को देखने जा रहा है, वो दीपांशु। तो दीपांशु बहुत ही डाई हार्ट फैन है बॉबी भाई का। आप क्या कहना चाहेंगे? जिसका फैन है जो बताया गया ये उसको जानता ही नहीं है। नहीं मैं जानता हूँ, मेरे पास उनका आधार कार्ड भी लिंक है। और ये तो सब कहने की बात होती है। कितना प्यारा रोड है देखिए जरा, और आज कितना सुहाना मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ऐसा रोड आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा रोड यहीं पे है। और दूसरी बात यह है कि ये रोड सीधा जा रहा है क्या वहाँ तक M2? ये तक हो सकता है, हमें कभी हो सकता है बीच में हमें कभी मुड़ना भी पड़े। तो शांति बनाए रखें, धैर्य ना खोए। हम भैया से पूछते हैं कि उनको अक्षय कुमार कैसा लगता है और उसमें जो कैरेक्टर हैं उनको कैसे लगते हैं? जी पसंद है, अक्षय कुमार बहुत अच्छे हैं। अक्षय कुमार बहुत अच्छे हैं। कितना स्टार देना चाहेंगे? भाई कैसी लगी आपको पिक्चर? मैंने देखी नहीं सर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। तो भाई आप लोग क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब? जाकर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पैर में तार फंस गया था, मैंने चेहरे पे एक भी शिकस्त नहीं लाई, आपको पता नहीं चलने दिया। आ जाओ। ओके हम पहुंच गए हैं, हाउसफुल 4 रिलीज हो गई है। टेक 101।
एक्शन। हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ हम मूवी देखने वाले हैं अभी, हाउसफुल 4, और बहुत एक्साइटेड हैं हम मूवी के लिए। और ये लड़का एक्साइटेड नहीं लग रहा है वैसे, लेकिन बहुत एक्साइटेड है पर दिखाता नहीं है। यस, टू मच एक्साइटेड। इंटरवल हो चुका है, हम अभी बाहर निकले हैं और हंस हंस के हम पागल हो चुके हैं। बहुत मजा आ रहा है और इस मूवी का क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो है आज, तो हम वही देखने आए हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसी रही मूवी। वॉच कैसी लगी आपको बता दीजिए। देखने को कोई अच्छी नहीं लगी। आपको पसंद नहीं आई मूवी? अक्षय कुमार आपको पसंद नहीं आया? तो आप कौन सी मूवी देख रहे हैं? कोई बात नहीं, अक्षय कुमार की मूवी नहीं देखना है। अभी हम आए हैं KFC में कुछ खाने के लिए और दीपांशु और वो देखो दोनों उधर हैं, लेने गए हैं खाना। और मूवी हमें बहुत अच्छी लगी है, बहुत जबरदस्त मूवी थी। अभी हम थोड़ा सा खान पान कर लेते हैं अपना। क्या आपको मैं टेढ़ी दिखाई दे रही हूँ? बहुत जोर से भूख लग रही है। ये I'm still waiting. लाने को तो हम हाथी घोड़े भी ला सकते थे और घोड़े हाथी भी ला सकते थे। सोना चांदी भी ला सकते थे और चांदी सोना भी ला सकते थे, पर हम नहीं लाए। हमारे बाबूजी कहते थे सेवा करोगे मेवा मिलेगा। तो जैसा कि देखा आपने, मूवी का बहुत गहरा असर हुआ है हमारे वी म्यूजिकल वालों पर, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी लगी है, बहुत मजा ही आ गया मूवी देख के। जैसा कि आपने देखा, हमारी बत्ती बुझ चुकी है और हमारे आज हम आए थे यहाँ पे हाउसफुल 4 देखने के लिए। आपको बता दें कि मूवी बहुत ही शानदार है, जानदार है और जबरदस्त है। मजा आ गया देख कर और मूवी में थोड़े सा भी वक्त ऐसा नहीं गया कि हम हंसे ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, जो लोग डिप्रेशन में है ना, वो इस मूवी को देखने जरूर आए। डिप्रेशन में मेरे से भी लो, मेरे से। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगा मूवी का आपको? बोला तू भांड है भांड। अच्छा, और कितने स्टार देना चाहेंगे आप मूवी को? 5 out of 5, 10 out of 10, बहुत शानदार। नहीं, मूवी सच में बहुत अच्छी थी, हमें सच में बहुत मूवी बहुत पसंद आई। अक्षय कुमार का बाला तो बहुत अच्छा, बाला वाला सॉन्ग तो बहुत और सारे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे वीडियो में मैं कट रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं अभी तक। तो यहां पे से क्षमा चाहती हूं इस बात के लिए। कोई बात नहीं, अभी भी मैं कट रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं है। इतना लंबा होने के लिए किसने कहा था? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो से और इस वीडियो तक हमारा जो है बजट थोड़ा सा बढ़ गया है। हमारे पास एक सेल्फी स्टैंड हमने ले लिया है 100-200 रुपए की, 100-200 रुपए की सेल्फी स्टैंड और एक
₹200 का माइक हमने ले लिया है, जो हमारे पास जितने सब्सक्राइबर आए सबने एक एक रुपये चंदा हमने भेजा था, तो पेटीएम में कुल 400-450 रुपये आ गए थे, तो हमने उसका एक सेल्फी स्टैंड और एक माइक ले लिया है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है माइक लेकर, और बहुत लंबा लंबा भी लग रहा है वीडियो को देखते हुए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत सही आ रहा है दोस्तों। और मैं ये माइक आपको हाथ में पकड़ के भी दिखा देता हूँ, अभी तक ऐसा किसी ने किया नहीं है वैसे, आप देख सकते हो बहुत ही पानी पिया जा रहा है, अच्छा माइक है। यहाँ पे अभी हम कहाँ पे हैं, लोकेशन बताओ। लोकेशन नहीं बताएंगे, पूछना भी मत। अभी हम हाउसफुल चल रहा है, हाउसफुल तो जैसा कि आप देख सकते हो आसपास का एरिया एकदम जाना पहचाना सा लग रहा होगा। कनाडा अगर जिसने भी गैस कर दिया कि हम कहाँ पे मूवी देखने आए उसको ब्लॉक कर देंगे। नहीं मजाक कर रहा था, इस कमेंट के सॉन्ग बहुत अच्छे लगे मुझे सारे। जिसने पहचान लिया ना उसकी को कमेंट को मैं पिन करूंगा, ठीक है पिन करूंगा। नहीं नहीं, जिसने भी गैस कर दिया सही से गैस कर दिया उसका कमेंट डिलीट कर देंगे, काट देंगे। हाँ ये वाला सीन तो काट ही दो। देखिए मूवी मेरे से पूछा नहीं, एक मिनट में पूरी एक्टिंग करता हूँ। तो दोस्तों हम खड़े हैं कनॉट प्लेस के M2 के रोहिणी में। सॉरी। तो दोस्तों हम हाउसफुल यार, दोस्तों कैमरा मत हिलाओ यार, बंद करते हैं ना। दोस्तों कैमरा मत हिलाओ प्लीज, दोस्तों इसको प्लीज हाथ में रखना। तो दोस्तों आज हम हाउसफुल, अबे दोस्तों एक और बार बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम हाउसफुल मूवी का हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, तो आइए जान लेते हैं दो अनजान लोगों से कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या कहना है उनका मूवी के बारे में और कौन से डायलॉग्स उनको बहुत अच्छे लगे। तो हम पहले बात करना चाहेंगे अर्शी जी से जो हमारी राइट साइड पे हैं, तो कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त। और पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। मुझे जॉनी लीवर की जो बेटी थी ना उसका जो एक डायलॉग था, इतना बेहतरीन डायलॉग उसने कैसे याद किया होगा ये डायलॉग, आपको हैरानी होगी जानकर। पूरी मूवी में उसका दो ही डायलॉग है, उसके सिर्फ दो ही डायलॉग है, नहीं एक ही है, उसको दो बार बोलती है। नहीं दो अलग अलग है, देखिए सुनिए। जो लोग मूवी देख कर आए हैं और जो लोग मूवी देख रहे हैं, डबला है डबला, कोई बात नहीं, हम इसको भी बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें जो हाउसफुल 4 का बदला था वो मिल चुका है। एक मिनट में आपको सुना देता हूँ, ठीक है। और पीछे घबला भी है, देखो नाम बताओ अपना नाम बताओ। अरे कुछ नहीं कर रहा मैं, इतना दीपांशु बड़ा भला इंसान है, सबसे बात करता है बैठकर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। पर देखिए इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं अपने लिए। जो लोग हाथ पैर सही सलामत होने के बाद, नौजवान होने के बाद भी मांगते हैं ना, उनको कुछ सीखना चाहिए उनसे। अरे भाई साहब क्या यहाँ मैं खाना खा रहा हूँ और रोटी बना रहा। अरे वाह, इनका नाम भी है राम लड्डू हिंदी उसका। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी मुकेश यादव जी की शॉप पे हैं, राम लड्डू, और बहुत टेस्टी सी खुशबू आ रही है यहाँ पे। अभी बहुत गर्म है, पर ये गर्म है खाने में, ये बहुत गर्म है। तो ये क्या पॉकेट फ्रेंडली है खाने में, बजट के अंदर आ रहा है? कितना बजट है इसका अराउंड? ये टोटल 20 रुपये का था, तो 5 थे मेरे को, बस 15 नॉन लेना पड़ा और मैं इसका मालिक बन गया। चलिए आइए एक हम टेस्ट कर लेते हैं यार, अच्छा है। बहुत अच्छा लगा भैया, मन गदगद हो गया। अब ये देखो टैलेंट, एक ही साइज के बनते हैं वो सारे। हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने देखा आज हमने मूवी देखी हाउसफुल 4, तो आपको बताना चाहेंगे कि मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, देखी कैसी होगी, आज ही तो रिलीज हुई है, तो जाके जल्दी देखिए और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी लेके जाइए, गर्लफ्रेंड को भी ले जा सकते हैं।
हम जा रहे घर वापस कहता ओए ये मत चला ये मत चला बेटी बन रहा है ये क्यों चलाया